अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का बैकअप लेना सिखाएंगे। पीसी पर भी ले सकते हैं, फ़ोन टू फ़ोन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने ऐप्स, इमेज, वीडियो वगैरह, और एक मोबाइल का बैकअप दूसरे बैकअप में भी रिस्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन में जाके यूएसबी डीबगिंग ऑन करनी है, ताकि आपका मोबाइल जो पीसी से कनेक्ट हो सके। ये बैकअप लेने का इजी जो है सॉफ्टवेयर है। यूएसबी डीबगिंग ऑन करने के बाद जो है आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, ये मोबाइल को कनेक्टर आ गया, ये पीसी के साथ कनेक्ट हो गया मोबाइल। अब इसके बाद जो है हम मोबाइल ट्रांसफ़र, वंडर शेयर मोबाइल ट्रांसफ़र जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। एक्सट्रैक्ट करके हम इसे, इस सॉफ्टवेयर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर दी गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। छोटा सा 35 MB का सॉफ्टवेयर है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है इंस्टॉल करने के बाद आप जो है बैकअप ले सकेंगे अपने मोबाइल का, और कोई दूसरा बैकअप किसी मोबाइल का जो इस सॉफ्टवेयर से लिया है उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं। मोबाइल से मोबाइल में भी बैकअप, आप रीस्टोर बैकअप ले सकते हैं, पीसी पर भी ले सकते हैं, बाकी आईफोन, एंड्रॉयड सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चलता है। इसको पहले रजिस्टर कर लेंगे, रजिस्टर करने के बाद जो है ये एक्टिवेटेड हो जाएगा, फिर आप इसका बैकअप ले सकेंगे। रजिस्टर की इसकी आपने इंसर्ट कर दी, इसमें कॉपी पेस्ट कर देंगे ईमेल एड्रेस और की। ये सॉफ्टवेयर जो है, इसको रजिस्टर करने के बाद आपने फायरवॉल से जो है इसका इंटरनेट बंद कर देना, इसका कनेक्शन बंद कर देना, अपने फायरवॉल में जाके ब्लॉक कर देना इस प्रोग्राम को। तो ये देखें, ये फ़ोन टू फ़ोन ट्रांसफ़र ऑप्शन, रीस्टोर फ्रॉम बैकअप्स, बैकअप योर मोबाइल, अरेज योर फ़ोन, अपना मोबाइल फ़ोन अरेज कर सकते हैं, फ्रेश कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले बैकअप लेना है। बैकअप लेने के लिए आपका मोबाइल कनेक्ट करेगा, वो सबसे पहले आपके ड्राइवर या मोबाइल गो कनेक्टर ऐप जो है आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये अब कनेक्ट कर रहा है, मेरा सैमसंग A10 गैलेक्सी है मोबाइल, तो ये उसको जो है कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट करने के बाद जो है आप वो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे जिनका आप बैकअप लेना चाहते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट से SMS हो गए, कॉल लॉग हो गया, उसके बाद जो है फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गई, वो सारी आप जो है उनका बैकअप एक फाइल के अंदर हो जाएगा बैकअप। तो देखें, ये सेलेक्ट कर रहा है ये सारी चीज़ें। आप जो चीज़ आप नहीं बैकअप लेना चाहते उनको आप डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये करने के बाद स्टार्ट ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है आपने सिर्फ। तो ये स्टार्ट ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देंगे, ये बैकअप जो है हमारा शुरू हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्टैक्ट, SMS वगैरह बैकअप हो जाएंगे, SMS हो गए, फ़ोटो, कॉल लॉग्स, म्यूज़िक, ऑडियो, सॉन्ग्स वगैरह का बैकअप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते वो अलग भी कॉपी कर सकते हैं। ऐप्स वगैरह का बैकअप जो है ये देखें हो रहा है। बैकअप लेने के बाद जो है आप किसी, हम दूसरी मोबाइल का बैकअप लिए और वीवो का वो बैकअप रखा हुआ मैंने, वो हम जो है रीस्टोर कर लेंगे इस सैमसंग गलेक्सी A10। ये हमारा बैकअप मुकम्मल होने वाला है सैमसंग गलेक्सी A10 का। इसके बाद हम इसको देख सकते हैं कि ये देखिए, कुछ फाइल जो है ये हमने डिलीट कर दी थी, तो इसलिए ये फेल्ड आ रही है। तो अब जो है हम उसको ओपन फोल्डर करके देख सकते हैं कहाँ पे हमारा बैकअप सेव हुआ है। ओपन फोल्डर किया, ये बैकअप फाइल हमारी सेव हो गई 635 MB की, 34 से 35 MB की। अब जो है हमारा बैकअप एक और पड़ा था, वो पहले सेव किया हुआ था हमने, वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, फिर इसके ज़रिए हम रीस्टोर कर लेंगे। ये बैकअप फाइल पड़ी है, ओके कर दिया, बैकअप हो गया हमारा। अब जो है हम वापस जाएंगे बैक होम पेज पे, अब जो है हम बैकअप रीस्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम बैकअप जो है वो रख लेते हैं बैकअप के फोल्डर में। यहाँ से कट किया वीवो का डॉक्यूमेंट में पड़ा था, और इसे जहाँ पे बैकअप लिया जाता है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट जब कर दिया जाएगा तो
हम पुराना जो बनाया है बैकअप वो हम ख़त्म डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने वीवो का बैकअप रिस्टोर करना है, सारी ऐप्स कॉन्टैक्ट्स वगैरह जो है हमने वहाँ से लेने हैं। तो अब आपने रिस्टोर फ्रॉम बैकअप पर क्लिक कर देना है। यहाँ बैकअप, यहाँ पे जिस चीज़ के ज़रिए आपने बैकअप लिया है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमने मोबाइल ट्रांसफ़र से लिया तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट किया, अब जो चीज़ जिस चीज़ का, ये देखें वीवो का बैकअप आ गया जो आपने लिया हुआ है पहले, जो बैकअप की फ़ोल्डर में रखा था। उसके बाद हमने जो चीज़ बैकअप लेनी है वो सेलेक्ट कर लेंगे, कॉन्टैक्ट नहीं लेने हमने। उसके बाद जो है फ़ोटोज़ भी नहीं लेने, म्यूज़िक म्यूज़िक नहीं लेना, वीडियो म्यूज़िक भी लेनी है, वीडियो नहीं लेनी, ऐप्स रखनी है हमने सारी। तो अब जो है हम स्टार्ट ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देंगे और हमारा बैकअप रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा। ये है कि जो ऐप्स आपकी, जो ऐप्स पहले उन पे कोई चेंजिंग ना करे तो इसको आपने डीसेलेक्ट ही रखना है। पहले ऐप्स इंस्टॉल है अगर इनमें से, तो वो उसको वो कर देता है रिस्टोर के ज़रिए, रिप्लेस कर देगा। ओके करने जहाँ पे वो जो है वो आपको एक मैसेज देगा एसएमएस का, एसएमएस एप्लीकेशन वो कहता है डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करें। तो आपने वहाँ पे ओके करना है तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो है ये आपके टेक्स्ट एसएमएस का बैकअप लेना शुरू कर देगा। अब सारी चीज़ें जो है बैकअप रिस्टोर हो रहा है, वापसी आ रहा है जो आपने बैकअप लिया हुआ था पहले। तो दोस्तों मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए। यू फेसबुक पेज भी ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। इसके अलावा और भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो ये सारे जो है कॉल लॉग्स हो गए, कैलेंडर में कोई सेटिंग थी आपकी वो रिस्टोर हो जाती है, म्यूज़िक हो जाएगा रिस्टोर, म्यूज़िक फेसबुक के लिए जो है मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, लेकिन यूट्यूब के लिए मुकम्मल वीडियो होती है। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके मुकम्मल वीडियो डिटेल के अंदर देख सकते हैं। तो अब म्यूज़िक रिस्टोर हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर का नाम है वंडर शेयर मोबाइल ट्रांस। ये आपने लिंक से डाउनलोड कर लेना है या आप खुद भी डाउनलोड नेट से ले सकते हैं। अब इजीली आप जो है आईफोन एंड्रॉयड हर किस्म के मोबाइल का बैकअप ले भी सकते हैं और रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये MP3 फाइल्स का बैकअप आ रहा है। दोस्तों दुआओं में जो ज़रूर याद रखिएगा। मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दिखाई जाए। अभी नया नया YouTube यूज़र बना हूँ तो थोड़ी आवाज़ भी धीमी होती है, तो कमेंट में जो है आप रिप्लाई कर सकते हैं कि वीडियो आपको कैसे लगी। लाइक कर दीजिए कीजिए YouTube पे वीडियो को, या डिसलाइक कर दिए कीजिए। तो ये ऑडियो और ऐप्स का बैकअप ले जो रिस्टोर करने में थोड़ा टाइम लेता है, बाकी चीज़ों में टाइम नहीं लेता। ऑडियो वीडियो और ऐप्स इनकी क्योंकि साइज़ ज़्यादा होता है, मेमोरी ज़्यादा होती है, तो ये रिस्टोर करने में थोड़ा टाइम लेता है। हो रहे ऐप्स रिस्टोर हो रही हैं। अब जो है ऐप्स का बैकअप शुरू हो गया है, सारी ऐप्स जो है वो रिस्टोर होने वाली हैं। जितनी भी ऐप्स जो है इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट, ये मैंने शॉर्ट करके आपको दिखा दी है। वैसे तो ये सारी ऐप्स
जितनी भी आपके बैकअप में मौजूद थी वो सारी रिस्टोर हो जाएंगी, इंस्टॉल हो जाएंगी। यानी देखिए मैंने शॉर्ट करके आपको वीडियो दिखा दिया, ये 100% होने वाली है तकरीबन, सारी ऐप्स जो है वो रिस्टोर हो चुकी हैं। ओके पर क्लिक करेंगे फिर वही मैसेज आएगा मोबाइल पे आपका कि आप SMS ऐप को डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं कि नहीं। येस पर ओके करेंगे, मोबाइल से येस कर देंगे और आपका बैकअप अब रिस्टोर हो चुका है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों आपको। ये देखें ओके कर देंगे आप, ओके कर देंगे और बैकअप हो तो होम पेज। तो ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों, उम्मीद है पसंद आएगा। अब देखें हमारी ऐप्स जो है मोबाइल में सारी रिस्टोर हो चुकी हैं। दुआ में याद रखिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज ज़रूर लाइक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।